आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों से हमारे देश की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, और जो बातें उन्होंने कहा है और जो लोगों से जो भी उम्मीदें रखी हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद के अंदर वो सभी बातें पूर्ण होंगी। हमारे साथ हैं गाजियाबाद महानगर के भाजपा के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। आज के मोदी जी के उद्बोधन के बारे में इनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसका किस तरह से ये क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में कराने जा रहे हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों से हमारे देश की जनता पूरी तरह संतुष्ट है, और जो बातें उन्होंने कहा है और जो लोगों से जो भी उम्मीदें रखी हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, गाज़ियाबाद के अंदर वो सभी बातें पूर्ण होंगी। गाज़ियाबाद में 20 पेशेंट हैं। भगवान की बहुत दया है कि पिछले 4 और 5 दिन से कोई कोरोना का पेशेंट यहाँ नहीं मिल रहा है। लोग बहुत ही धैर्य के साथ, संयम के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएँ इस गाज़ियाबाद के अंदर काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, सभी सामाजिक संस्थाएँ, RSS, हमारी सेवा भारती, सभी लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। हम सब लोगों की यही इच्छा है कि गाज़ियाबाद के अंदर कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना है। और मैं माननीय मोदी जी की जो बात मोदी जी ने कहा है उसी अपील को करते हुए, आपस में संयम रखना है, हमको धैर्य रखना है, और हमें इसे कोरोना जैसी बीमारी से कंट्रोल कराना है। मोदी जी ने आज कहा गरीब लोग मेरा परिवार का हिस्सा हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए आप अपने स्तर पे, यहाँ पार्टी स्तर पे क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि गरीबों तक भोजन पहुँचे? हमारे यहाँ प्रत्येक मंडल में 500 पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, सूखा राशन दिया जा रहा है। गाज़ियाबाद में भाजपा के केंद्रीय स्तर पर भी 10,000 पैकेट बांटे जा रहे हैं, और सभी संस्थाओं के साथ तालमेल कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद में कोई रिक्शा वाला, कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई इस प्रकार का व्यक्ति भूखा ना रह जाए। पहले दिन से हम सब लोगों की यही इच्छा है और इसी को केंद्र मानकर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं ये मदद दी जा रही है, हमने आज देखा जनरल VK सिंह जी के साथ भी आप थे, तो क्या आज नगर में केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी कोई सेवा कार्य हुआ? बहुत सारे सेवा कार्य हुए हैं। 50 क्विंटल से ज़्यादा उन्होंने सामग्री अपने द्वारा, 35 लाख रुपये से ज़्यादा उन्होंने PM केयर्स फंड में, और उसके अलावा आज हम गाज़ियाबाद का हमने राउंड लिया तो जो भी पुलिस वाला मिला उसे मास्क दिया, खाने के लिए सामान दिए। केंद्रीय मंत्री जी ने खुद गाड़ी रुकवाकर नगर निगम के जो सफाई कर्मी थे करहेड़ा में, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें दी, उन्हें मास्क बांटा। इस प्रकार का वो प्रयास जिलाधिकारी और SSP महोदय के द्वारा प्रत्येक दिन बात कर या DSO के द्वारा प्रत्येक दिन बात कर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों तक राशन अवश्य पहुँचे। इस क्षेत्र में तबलीकी वाले भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमें पिछले दिनों देखने में आए, छुपे हुए थे, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर की जाएगी जो अभी भी छुपे हुए हों कहीं ऐसे क्षेत्र में? बिल्कुल की जानी चाहिए, और हमारा तो एक मानना है कि ये जो तबलीकी वाले हैं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हम इस समय साहिबाबाद के संघ कार्यालय समर्पण पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं RSS के विभाग के कारवा श्रीमान राम वरुण जी। पूछते हैं उनसे RSS इस समय सेवा की जो गतिविधि चला रहा है इस पूरे विभाग में, किस किस तरह से ये गतिविधियां चल रही हैं? अभी गत लगभग 12-13 दिन में हमने लगभग 1200 क्विंटल सूखा राशन बांट चुके हैं। यहाँ जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से हम सूखा भोजन पैकेट बनाए हुए हैं, उस हिसाब से हम देते हैं। यहाँ जैसी मांग आती है कुछ कार्यकर्ता निश्चित किए हैं, जिस नगर में आवश्यकता होती है उस हिसाब से, उन नगर से जानकारी आती है तो वहाँ फिर हमारे कार्यकर्ता जा कर के देते हैं। पूरे गाज़ियाबाद विभाग में कितने केंद्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये भोजन का सामग्री वितरित हो रही है? लगभग 27 केंद्र हैं जो सूखा और पका हुआ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी पका भोजन 2-3 दिन से हमने कुछ कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से और शासन प्रशासन की भी थोड़ी सी असहजता थी, क्योंकि लगभग 20,000 पैकेट हम रोज़ाना वितरित कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी शासन को भी असुविधा हुई। सड़क पर आना, हज़ारों कार्यकर्ता निकल रहे थे, कुछ हमें भी लगा कि कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं, तो जो सावधानी रखनी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव दिखाई दिया था। तो अभी पके भोजन की सीमित मात्रा में हमने व्यवस्था की है, सूखे राशन की व्यवस्था भी
प्रचुर मात्रा में है। लोग बाग गरीब लोग जो हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, वो लोग काफ़ी चिंतित थे कि क्या संघ के द्वारा उन तक भी भोजन पहुंचाया जा रहा है, कैसे उनकी पहचान करते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा भी है जहां 112 से पुलिस चौकी के माध्यम से या पुलिस अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास समाचार आता है, तो हम फिर उस हिसाब से उनकी व्यवस्था करके वहाँ जो ज़रूरतमंद है उनको पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कार्यकर्ता संघ के भी सूचना देते हैं और प्रशासन की तरफ से भी सूचना मिलती है, उन तक आप भोजन पहुंचाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। कितने लोगों को इस विभाग में लाभ पहुंच रहा होगा इसका? लगभग अभी दो दिन का तो मेरे पास आंकड़ा है नहीं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया लगभग 20,000 तो हम पैकेट ही दे रहे थे भोजन के, 20,000 पैकेट बने हुए, और इसके अतिरिक्त कम से कम 2,000 के आसपास हम सूखे राशन के पैकेट दे रहे थे जी। जिसमें किट बनाई है हमने, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, तेल, नमक, मसाला, मिर्च मसाला जो भी है सारा इस प्रकार से हम वितरित कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी बहुत चर्चा है कि संघ ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और फ़ोन नंबर जारी किया है सेवा भारती का, जिसके माध्यम से कोई भी उसमें मदद ले सकता है, क्या है वो ज़रा बताइए व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप वो एक नहीं, कई नगरों के अनुसार बने हैं, महानगरों के अनुसार बने हैं। इस गाजियाबाद को संघ की दृष्टि से 4 इकाइयों में बांटा है, वैशाली महानगर, हरनंदी महानगर, गाजियाबाद महानगर और गाजियाबाद जिला। तो इस हिसाब से फिर नगरों ने भी कुछ ग्रुप बनाए हैं अपने अपने हिसाब से, अनेक प्रकार के ग्रुप हैं। कहने का मतलब किसी को भी, हमारा नारा है, हमारा घोष है, हमारी ऐसी सोच है कि भूखा नहीं रहे को अपने पूरे गाजियाबाद विभाग में, ऐसा हम अंतर मन से प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ता मैसेज डालते हैं और फिर वहाँ तक भोजन पहुँचाते हैं। हाँ, उसमें जो देने वाले बंधु हैं कुछ सहायता राशि प्रचुर मात्रा में मिल रही है समाज से, जो मतलब हमें भी ऐसा पहला अनुभव है ऐसे जीवन का, लेकिन प्रचुर मात्रा में देने वाले भी बहुत हैं और उस हिसाब से हम आगे भी वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ़ोन नंबर आप बताना चाहेंगे क्या दर्शकों को, जो फ़ोन नंबर आपने गाज़ियाबाद विभाग में जारी किया कोई ऐसा, जहां जिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? वो डाला हुआ है उसमें सेवा भारती के ग्रुप पर। अच्छा, सारी इकाइयों में हैं, बाकी हमारे विभाग प्रचार प्रवीर जी हैं जी। वतन जी का फ़ोन नंबर है, मेरा स्वयं का नंबर है। अपना नंबर बोल दीजिए। 9958522998 जी, ये मेरा भी नंबर है, कभी भी 2400 घंटे ज़रूरत पड़ने पर बात कर सकते हैं।